हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मिरर चैप्टर का कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और जो प्लेन मिरर पढ़े इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कौन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 16 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 सेंटीमीटर है, यानी आर इसका जो है 16 सेंटीमीटर है। और एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जो 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, तो इससे 12 सेंटीमीटर, यहाँ तक 16 है तो यहाँ से 12 मान लीजिए थोड़ा सा पहले होगा, थोड़े पहले होगा, है ना। तो ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 है और 16 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 12 सेंटीमीटर पे, तो बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले होगा, सपोज यहाँ पे है, और इसका इमेज बना है। तो हम लोग जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच फोकस होता है, ऐसे डायग्राम इसमें बनाना नहीं है, हम खाली आपको बता रहे हैं समझने के लिए। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से रे ऑफ लाइट जाएगा और एक जो है मान लीजिए फोकस से गया और ये पैरेलल हो गया, तो इमेज इधर यहाँ पे क्या कहते हैं, इमेज हमारा थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ा है, ये सीधा वो जाएगा तो इधर बहुत दूर में मान लीजिए कि यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन आपको बताना है, ध्यान दीजिए। हम लोग ये भी पढ़े कि जो मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस निगेटिव होता है, यानी कि ये जो R है हम लोग -16 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसका F जो हो जाएगा R का हाफ होता है, R बाय टू होता है, -16/2 यानी -8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया। और इसका U डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही रखा जाता है, यानी कि निगेटिव वैल्यू होगा। आपको जो ऑब्जेक्ट है जिस तरफ से लाइट आ रहा है उसी तरफ रहना, तो इसलिए इसके अगेंस्ट में जो डिस्टेंस होता है -12। हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़े हैं, ध्यान दीजिए कि जो मिरर है, मिरर के अगर इस तरफ से लाइट आ रहा हो तो इधर वाला डिस्टेंस निगेटिव होगा, इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस हाइट प्लस में होगा और नीचे माइनस में होगा। तो इस साइन कन्वेंशन के बेसिस पे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है -16, तो ये फोकल लेंथ -8 हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है और यू आपको -12 सेंटीमीटर आ गया। और आपको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ इमेज, तो हम लोग जानते हैं 1/u + 1/v = f, ये हमारा मिरर फार्मूला है, है ना। तो मिरर फार्मूला से आपको क्या आ गया, इससे आपको v का डिस्टेंस मिल जाएगा, v निकल जाएगा, तो u है हमारा -12 1/v और 1/f कितना है हमारे पास -8, तो 1/v = 1/-8 + 1/12। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा, तो यहाँ पे -3 कैलकुलेट कर लीजिएगा +2, तो -3 में से 2 गया तो -1/24, यानी कि 1/v = हो गया आपको 1-1/24 और v = हो गया -24 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है, इमेज जो बनेगा आपको। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, इसके लिए अब चलिए देखिए, अब इसको हम फिर से समझा रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 12 सेंटीमीटर पे रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है, इस तरफ होता है,
हम इसमें पहला क्वेश्चन बता रहे थे इसलिए ये डायग्राम बनाए, इस डायग्राम का बनाने का जरूरत है नहीं, इसको हम लोग मन में कर सोच करके कर सकते हैं। हमारा जो हम पिछले वीडियो में जो पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि कहाँ इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, ये सब बात थोड़ा सा याद रखना होगा। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, किस में कहाँ पे इमेज बनता है, ये प्रॉपर्टी आपको हेल्प करेगा। आप देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है मिरर का, कहीं कहीं आपको मिरर का नाम भी नहीं दिया रहेगा, जो बोला है उसी के बेसिस पे आपको समझना पड़ेगा कौन सा मिरर है। यहाँ पे तो कॉनकेव मिरर कहा, कॉनकेव मिरर में रखा गया है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव रहता है, ये आंकन बंद करके रखना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। तो यू हमारा निगेटिव है -12 सेंटीमीटर, क्योंकि साइन कन्वेंशन में मिरर के सामने जो भी होगा उसका डिस्टेंस निगेटिव होगा, तो निगेटिव डिस्टेंस मतलब हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने ही होता है, तो वो निगेटिव डिस्टेंस होगा, ठीक है। इधर का तो हमारा ये -12 हो गया। एफ फोकस जो है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, फोकस इधर रहता है इसलिए निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर रहता है तो फोकस पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड में आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का ऐसा रहता है ना डायग्राम फिगर, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ रहता है तो ए इधर से पास होगा फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये फोकस से पार हुआ, तो ये जो फोकस होता है मिरर के पीछे का डिस्टेंस है, लाइट इधर से जा रहा है इसके राइट साइड का है, तो ये पॉजिटिव होता है। और इसमें आपको फोकस याद रखना है कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट में होता है, ठीक है। अब आइए ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड करना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो इस केस में जो मिरर फॉर्मूला है हमारे पास 1/u + 1/v = 1/f, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, f है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आपके पास -8 है, u आपको दिया हुआ है -12 दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में रख करके हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, हम लोग v को फाइंड किए हैं, तो ये निगेटिव इस तरफ है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हुआ, इन दोनों का 12 और 8 का एलसीएम 24, और यहाँ पे -8 है, इसको 24 बनाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया -3, और ये 12 को 24 बनाने के लिए 2 से, तो यहाँ पे 1 × 2, तो -3 + 2 क्या हो जाएगा -1, तो 1/v = -1/24, तो v जो आपको निकालना है यहाँ पे 1/v है, तो v का रेसिप्रोक एक इसका रेसिप्रोकल उल्टा v और इसका उल्टा -24, तो हम लोग समझ गए कि भी जो है -24 है, मतलब कि ये जो मिरर है मिरर के सामने ही इमेज बना है, और सामने इमेज बनता है तो कैसा बनता है, रियल इमेज बनता है, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें से ये भी बता सकते हैं इमेज का नेचर कि रियल होगा, रियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर या इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 24 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख भी ले। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, अब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, मिरर का नाम दिया हुआ 15 मीटर अवे है मिरर से, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ भी है, ड्रॉ ए स्केल डायग्राम। पिछले क्वेश्चन में डायग्राम बनाने नहीं बोला था, इसमें देखिए डायग्राम बनाने बोला है, तो हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसके आधार पर एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद कर रहा है डायग्राम टू लोकेट द इमेज फ्रॉम द डायग्राम, और फ्रॉम द डायग्राम उस डायग्राम से फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म, इमेज का लेंथ फाइंड करना है, मतलब ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हुआ, इमेज कितना बड़ा हुआ।
तो पहले डायग्राम आप बनाइएगा। डायग्राम बनाने वक्त आपको सोचना पड़ेगा, स्केल तो हम लोग यहाँ पे रफ डायग्राम बनाएंगे, है कि नहीं। तो पहले आप लीजिए, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है और इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पहले सी दीजिए, ये पी दे दीजिए पोल, और इसको बीचों बीच फोकस हो गया, इसके बीचों बीच क्या हो गया, फोकस हो गया, इसके बीचों बीच क्या हो गया, फोकस हो गया। अब है ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट रखा गया है 15 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट रखा गया है 15 सेंटीमीटर अवे और फोकल लेंथ है 10, तो ये 10 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 20। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 20। यानी ऑब्जेक्ट इसके बीचों बीच है, ऑब्जेक्ट इसके बीचों बीच है। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया और डायग्राम बनाने के लिए हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले जाएंगे और ये फिर फोकस से पास होगा, फोकस से गया, और दूसरा रे हम लोग लेंगे, दूसरा एक फोकस से लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, इमेज हमारा इधर बनेगा, है ना। ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया और ये मान लीजिए ए डैश बी डैश इमेज हो गया। इसका आपको हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो श्योर हम लोगों को देखिए यहाँ पे हाइट अगर फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग को पहले एम निकालना होगा। एम के लिए हम लोग के पास दो फार्मूला है, एक है एच आई अपॉन एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है लेकिन इमेज का नहीं ना, हम लोग को इमेज का ही हाइट फाइंड करना है, इमेज का हाइट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग को मैग्नीफिकेशन चाहिए। दूसरा जो फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का, माइनस वी अपॉन यू है, इसके लिए आपको यू एंड वी चाहिए। तो यहाँ पे आपको यू दिया है तो ऑब्वियसली हमें वी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए मिरर फार्मूला अगेन लिखते हैं। मिरर फार्मूला हमारा क्या है, नाउ अच्छा इसमें से क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है पॉजिटिव होगा, प्लस 2 सेंटीमीटर होगा, और डिस्टेंस जो u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो हमारा निगेटिव होता है, माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ हमारा इसमें कॉनकेव लेंस है तो निगेटिव होगा। तो 1/ आपके पास है नाउ 1/u + 1/v। एक्चुअली ये फॉर्मूला हम थोड़ा सा लिख दिए हैं आप लोग को समझने के लिए, ठीक है, ये सब हमारा u जाएगा। तो 1/u + 1/v = 1/f। तो आप यहाँ पे u कितना आपके पास, -15 है ना, और v नहीं है, f हमारे पास -10 है। फिर हम लोग वी फाइंड करेंगे तो 1/v = ये वाली उधर जाके प्लस हो जाएगा, 15 + -10, है ना। इसका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 15 और 10 = 30 होगा। तो यहाँ पे 2 और इसको बनाने के लिए 30 बनाने के लिए 3, ये एलसीएम है आपका। ये तो समझ रहे होंगे फ्रैक्शनल फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, एलसीएम 30 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये -10 है, इसको 30 बनाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर -3 × 1 - 3 हो जाएगा, तो -1/30 हो गया। यानी कि v कितना हो जाएगा, 1/v हो गया आपको, -1/30। तो सो v = कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो हम लोगों ने v फाइंड कर लिया। देखिए आपके पास u भी है अब और v भी है तो हमारा मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा, मैग्नीफिकेशन -b/u। तो -v कितना है, -30 है ना, और u कितना है आपके पास, -15 है। तो -15 ऊपर में हो गया, +30 और -15, जिसे कटाइए -2 हो गया मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये रेशियो है। अब देखिए हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन निकाल लिया,
अब उस मैग्निफिकेशन का और ये एच ओ रख देंगे तो हम लोग का एच आई निकल जाएगा। तो ऑल्सो एम इक्वल टू वी हैव एच आई अपॉन एच ओ, सो एच आई इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, हम यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एम हमारा कितना है माइनस टू और एच ओ कितना है प्लस टू है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस फोर, यानी कि इमेज जो होगा हमारा माइनस फोर सेंटीमीटर का होगा। देखिए माइनस फोर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो हाइट है ऑब्जेक्ट इमेज का वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ओके, अभी हम आपको पहले भी बताए थे कि मैग्निफिकेशन क्या है, अगर निगेटिव आ रहा है तो समझिए ये रियल इमेज है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो ये वर्चुअल इमेज है। आई होप समझ में आ गया होगा, इसको प्लीज नोट करें, फिर हम आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो आइए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। अभी दो क्वेश्चन हम लोग कॉनकेव मिरर पे बनाए, अब हम बना रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। इट्स इमेज इज फॉर्म 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 12 सेंटीमीटर क्या है अवे, इट्स इमेज इज फॉर्म 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ। अब आप यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से हम लोग लेते हैं, इसका रफ रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं ऐसे, इसको बनाने को उतना ज़रूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, 20 सेंटी पहले इमेज रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे, इधर हमारा ये है मान लीजिए एफ है और ये सी है मान लीजिए, और 20 सेंटीमीटर पे सपोज ऑब्जेक्ट को रखा गया है। यहाँ से हम लोग दो रे लेंगे, एक रे जो जाएगा आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से पास होगा, और दूसरा हम लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना है। ठीक है, तो ये डायग्राम हम लोग बना लिए, अब देखिए इमेज यहाँ बन रहा है ना, ये ए डैस बी डैस कंसिडर कीजिए और ये ए बी। अब आप इसके बारे में कह रहा है यू हमारा दिया हुआ है, यू तो ऑलरेडी निगेटिव हम बता चुके हैं, कोई भी मिरर हो यू हम लोग निगेटिव लेंगे, माइनस 20 सेंटीमीटर है ना, और इमेज कहाँ फॉर्म करता है 12 सेंटीमीटर वी। आप बताइए ये मिरर में भी क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, याद रखिए साइन कन्वेंशन, कोई भी मिरर में इधर जो है प्लस इधर माइनस है ना, ऊपर पे प्लस और इधर माइनस। ठीक है, तो आप बताइए ये इधर है ना, ये हम लोग को याद रखना है कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, हमेशा वी का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, तो वी इक्वल टू हमारा प्लस 12 होगा है ना, और मांग रहा है आपको फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं 1/u प्लस 1/b इक्वल टू 1/f, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। तो 1/u, u कितना हमारा माइनस 20 और v हमारा 12, सो f 1/f इक्वल टू इसका एलसीएम कितना होगा 20 और 12 का एलसीएम आई थिंक 60 होगा, 60 इसको बनाने के लिए माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 60 बनाने के लिए 5 से, 5 में 3 गया 2 अपॉन 60 मीन्स 1/30, तो यहाँ पे एफ फोकल लेंथ जो हो जाएगा आपको 30 सेंटीमीटर हो गया। देखिए हमारा पॉजिटिव आया है और इसलिए कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो ओके स्टूडेंट, इसको नोट करें और ऐसे ही हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, आप बने रहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन आ जाएगी आवाज़ थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ अब, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जो 12 सेंटीमीटर पे रखा गया है फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म इज रियल एंड 4 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो लिखिए u इक्वल टू आपके पास माइनस 12 सेंटीमीटर है,
और कह रहा है कि इमेज जो फॉर्म किया है वो रियल है और 4 times लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। मतलब m जो है रियल इमेज के लिए m प्लस में होता है या माइनस में? माइनस में। तो माइनस कितना टाइम? 4 times। तो हम लोग लिखेंगे 4। m कितना हो गया? 4। और आपके पास m का फॉर्मूला है माइनस वी अपॉन यू। तो ये हो गया आपको माइनस 4 और v कितना है? माइनस वी रहने दीजिए, u हमारे पास माइनस 12 है, तो ये माइनस कैंसिल कीजिए, तो माइनस 4 v। तो हमारा v इक्वल टू कितना है? माइनस 4 सेंटीमीटर, एक्चुअली सॉरी 4 इंटू v इक्वल टू 4 इंटू 12 48। तो भी हमारा 48 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको देखिए कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालने बोला था, बहुत आसान था, बन भी गया। ठीक है, अगर आपको फोकल लेंथ कहेगा निकालने तो फिर आप मिरर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इसमें नहीं बोला गया है, आप ऐसे करके इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ओके, नेचर ऑफ इमेज तो दिया हुआ ही है, रियल है, 4 times है, हो गया ये। फिर चलते हैं हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए, कह रहा है कि ए चाइल्ड रन टुमारे प्लेन मिरर। मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, इसके तरफ कोई एक चाइल्ड दौड़ रहा है ना, इसकी तरफ दौड़ रहा है, तो कह रहा है कि ये जो मूव कर रहा है इस तरफ, ये प्लेन मिरर है, ए चाइल्ड इज मूविंग रनिंग टुवर्ड प्लेन मिरर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 meters per second। ये इस तरफ 2 meters per second के स्पीड से मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि इसका इमेज, सपोज अगर यहाँ पे इमेज बना हो इसका, मान लीजिए इधर इमेज बना हुआ है, ठीक है, तो ये कह रहा है ये अभी दे, मान लीजिए अगर ये एक्स डिस्टेंस पे होगा तो ये भी एक्स डिस्टेंस पे होगा, है कि नहीं, और अगर ये 2 meters per second के स्पीड से जा रहा है, तो अगर ये इधर मान लीजिए कुछ भी डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है, इधर कुछ भी डिस्टेंस मूव करेगा तो ये भी उतना ही मूव करेगा। मतलब अगर ये 2 meters per second से आ रहा है तो ये भी इधर से 2 आ रहा है, तो 2 2 4। अगर ये 3 meters per second के स्पीड से आ रहा है तो इधर से भी 3 यानी कि 6। तो ऑब्वियसली इसका जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ इमेज, हाँ इमेज मूविंग, स्पीड ऑफ इमेज मूविंग टुवर्ड हर, हाँ टुवर्ड हर विल बी, जो स्पीड इधर से उधर है उसका डबल हो जाएगा, यानी 2 4 meters per second। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, लाइक करें और शेयर करना मत भूले, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।